दादी सा के किचन से और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो कि 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। दीपावली का टाइम होता है और घर में गेस्ट तो आते ही हैं, तो ऐसे टाइम में अगर 15 से 20 मिनट में कोई डेजर्ट तैयार हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिठाई बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे एक बॉल और उसके अंदर डालेंगे सूजी। एक कप सूजी डाल रही हूँ, मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था तो ये बारीक हो चुकी है और इसे हम डाल देंगे। उसके साथ में हम डालेंगे एक कप मैदा। तो मैदे को हमने छान के तैयार कर लिया है और उसके बाद में हम डाल रहे हैं यहाँ पे दही। 1/4 कप दही है, दही बिल्कुल खट्टा नहीं है, नॉर्मल है और ये नॉर्मल टेम्परेचर का ही है। और यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप घी। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ही जो टेक्सचर है वो आता है। और आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ और एक चम्मच डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि पानी नहीं डालना है, उसे एक बार अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये मिक्स नहीं हो रहा है, तो इस टाइम में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसी इस तरह से पानी डाल के और हम अच्छे से फेंटते जाएंगे। ये मिठाई बहुत ही इंस्टेंट बनके तैयार होती है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, फटाफट से भी हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटते जाना है और बिल्कुल स्मूथ कर देना है इसे, बिल्कुल जैसे स्मूथ बैटर होता है। ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है, थिक ही रखना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा पानी और। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है और कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि हमारा बैटर लूज हो जाता है थोड़ा, तो उस टाइम में आप थोड़ा सा मैदा और थोड़ी सी बारीक करी हुई सूजी वापस मिला लें, वो एकदम बराबर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, ये देखिए। बस इसी तरह का हमें बैटर तैयार करना है। एक बार अच्छे से इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से बैटर मिक्स हो गया है और इसे हम कवर करके और 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और जब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं, तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 कप शुगर। और जितनी हमने शुगर डाली है उतना ही हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पे यही रेशियो रखना है हमें, 1 कप शुगर और 1 कप पानी। जब तक कि शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाए उसे मिलाते जाना है। शक्कर इसमें घुल चुकी है और अब हम डाल रहे हैं इसमें केसर के धागे, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इससे। और इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे इलायची पाउडर, आधा चम्मच के करीब डालेंगे यहाँ पे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और जो फूड कलर है यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल 1 पिंच से भी कम यहाँ पे हम फूड कलर का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें चाशनी को तब तक बॉईल करना है जब तक कि हल्की चिपचिपी न हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चाशनी चिपचिपी हो जाए उतना ही इसे बॉईल करना है। ये देखिए बस 2 मिनट के लिए हम और करेंगे इसे। ये देखिए चिपचिपापन आ चुका है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारी तैयार है, एक साइड में कर लेते हैं इसे और बैटर को चेक कर लेते हैं।
15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सूजी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है और बैटर हल्का सा थोड़ा थिक हो चुका है, तो हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब पानी मिलाया है अभी, और इस पूरे बैटर को तैयार करने में मुझे 1/2 कप पानी लगा है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पानी और, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इससे होता ये है कि कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमें जैसा बैटर चाहिए वैसा न बने या लूज़ हो जाए बैटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है और इसके लिए हम कहते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक पाइपिंग बैग, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध की थैली भी ले सकते हैं। केक के लिए जो नोज़ल यूज़ करते हैं हम उसका यूज़ यहाँ करने वाले हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है और ये बहुत काम आती है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे थोड़ा सा कट लगा दें अगर दूध की थैली को, तो भी आपकी इस तरह से नोज़ल तैयार हो जाएगी। और इस तरह से जो केक का होल्डर है हम इस तरह से अंदर डालेंगे पाइपिंग बैग के अंदर और ऊपर से कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम कट लगा देंगे और उसे वापस थोड़ा सा पुश करके और हम उसे वापस बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे से पैक हो जाता है और फिर ग्लास में डाल के, और ये देखिए प्लास्टिक की जो ये हमारे पास पाइपिंग बैग है इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब ये बैटर इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस आप दूध की थैली के साथ भी कर सकते हैं, उससे भी इजीली बन जाता है। ये देखिए बैटर हमारा काफ़ी स्मूथ है, अच्छे से अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत लूज़ भी नहीं है, बस ऐसा ही बैटर बनाना है आपको। और ये देखिए हमने इसे भर लिया है, थोड़ा सा इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस बैटर को ये देखिए भर के तैयार कर लिया, ग्लास में ही रख देते हैं और घी गरम कर लेते हैं। घी हमारा तैयार है और गरम हो चुका है, ये देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, बस ऐसा ही गरम हमें घी चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए घी। एक बार घी गरम होने के बाद में हम गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे और ये देखिए पाइपिंग बैग से इस तरह से हम इसे जलेबी की तरह गोल करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली हो जाता है ये, और जो एंड है उसका उसी इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे ताकि जो हमारी ये हमने जो शेप बनाया है वो खुले नहीं। ये देखिए ये अंदर की तरफ डाल रही हूँ मैं इसे, बहुत ही इंस्टेंट बनती है, बहुत ही फटाफट बनती है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। गैस का फ्लेम अभी हमारा मीडियम पर ही है, हमें हाई पे नहीं करना है ना ही लो पे करना है। और ये मिठाई बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही रस भरी, जैसे जलेबी की तरह होती है या कह सकते हैं इमरती के जैसी होती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए हमने इसे बना लिया है और अब हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे एक बार पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फ्लिप कर लेंगे, बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ज़्यादा इसे क्रंची नहीं करना है हमें। यहाँ हमें इसे बनाते समय यही ध्यान रखना है कि जो सूजी है उसे हमें मिक्सर में थोड़ा सा
बारीक कर लेना है और इसे जब भी पकाएं धीमी आंच पे पकाएं। और जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए हमें उसके बाद में इसे निकालना है। आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है ये, निकाल लेते हैं इसे बाहर। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है हमने इसे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। इस टाइम में हम इसे बाहर निकाल के और चाशनी में डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे हल्का सा चाशनी को वापस गर्म कर लिया था। हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो चाशनी में डालनी है तो चाशनी हम कहते हैं हल्की गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। वापस इसी तरह से हम और बना लेंगे। बहुत इजी है इसे बनाना, आप देख रहे हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है। जो चाशनी में हमने डाली है उसे 5 से 7 मिनट तक चाशनी के अंदर ही रहने देना है और ये भी बन के जल्दी तैयार हो जाएगी। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही रसभरी जो हमारी स्वीट है वो बन के तैयार है। ये देखिए ऊपर से क्रंची लग रही है और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है ये। तो बस एक बार हमने इसे निकाल लिया है बाहर और अब जो दूसरी पकड़ी है उसे हम बाहर निकाल के उसे भी चाशनी में डाल देंगे। बस हमें यहाँ यही ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा घी है उसे इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से झारी में जब हम डालते हैं तो एक्स्ट्रा घी बाहर निकल जाता है और इसे भी हमने डाल दिया है। ध्यान रखना है 5 से 7 मिनट तक उसे अच्छे से चाशनी पीने देना है और अच्छे से उलट पुलट करके मिक्स कर देना है चाशनी के अंदर। और इस बात का ध्यान रखना है कि गरम गरम के अंदर ही चाशनी में डालना है। तो स्वीट हमारी तैयार है, करते हैं प्लेटिंग इसकी। दीपावली का जो त्यौहार है वो एक तरह से बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है। उसमें मिठाई, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने इसे प्लेटिंग कर लिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे। और अब हम गार्निश कर रहे हैं इसे पिस्ता से। तो पिस्ता जो है उसे हमने बहुत बारीक से कट कर लिया है और इस तरह से इसे गार्निश करेंगे हम। बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनके तैयार होती है। इस दीपावली को इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और एक मैं आपको ये स्वीट तोड़ के बता रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही रस से भरी हुई है ये देखिए। और आप अगर चाहें कि इसे और ज़्यादा रस से बनाना है तो आप इसके ऊपर और चाशनी डाल सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।